नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे। कर्म शब्द क्री धातु में अनप्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है क्रिया करना। जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल समाहित होता है वही कर्म कहलाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु निश्चित कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणा। भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के पांचवे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किए गए हैं। इसी प्रकार भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यानी कि समबुद्धि पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। इससे तो समत्व रूप योग को जान और कर्म की कुशलता ही योग है। इसके अलावा भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते स्वंगोस्तु कर्मणि। मतलब मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, उसका फल में नहीं। अब हम कर्मयोग की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा गया है कुर्मण्येवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्मि न कर्म लिप्यते नरे। मतलब इसमें बताया गया है कि मनुष्य को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सर्वव्यापकता को सतत स्मरण रखते हुए उन्हीं की पूजा के निमित्त शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य कर्मों को करते हुए इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इसमें ईशावास्य उपनिषद में इसकी परिभाषा बताई गई है कर्मयोग की। इसके अलावा भी अलग अलग योगियों ने कर्मयोग की परिभाषा दी है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ शास्त्र सम्मत एवं कुछ नैतिक दृष्टि से शुभ कर्मों को करना ही कर्मयोग का मार्ग है। इसी प्रकार स्वामी आत्मानंद जो कहते हैं कि जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्मयोग कहलाता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न परिभाषाएं बताई गई है। अगला जो विषय है हम जिसके बारे में जानेंगे वो है कर्म के प्रकार। तो सबसे पहले वेदों में क्या कहा गया है। वेदों में दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। पहला है विहित कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म। और विहित कर्म के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित कर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विहित कर्म क्या होता है। तो विहित कर्म वो होता है जो करने योग्य है, जो जिसमें अच्छाई निहित होती है वो है विहित कर्म। और निषिद्ध कर्म जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो निषिद्ध है, जो पाप कर्म है, उन्हें निषिद्ध कर्म कहा गया है। तो अब हम विहित कर्म के बारे में जानेंगे। जो नित्य कर्म है, जो हम डेली करते हैं, नहाना है, शौच जाना है, ठीक है, स्नान करना है, ये जो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म क्या होता है। नैमित्तिक कर्म वो होता है जिसको किसी उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि जन्मदिन हो गया है, दाह संस्कार हो गया, ये नैमित्तिक कर्म है जिसे किसी उद्देश्य के लिए किया गया हो। अगला है काम्य कर्म। काम्य कर्म वो होता है जिसमें किसी प्रकार की कामना होती है, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है। और प्रायश्चित कर्म वो कर्म होता है कि आपके द्वारा किए गए कोई पाप कर्म है उसके बदले में आप प्रायश्चित करते हैं, उस प्रकार के कर्म है प्रायश्चित कर्म। अगला है उपनिषदों के अनुसार क्या होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म वो होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों में के क्रियाकलापों के द्वारा संचित किए गए होते हैं। क्रियमाण कर्म क्या होते हैं, तो क्रियमाण कर्म वो होते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में क्रम से चलते हैं, जो जीवन में करते हैं। और ये प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे संचित कर्म का परिणाम जो है, जैसे ये संचित कर्म है उसका ही परिणाम है प्रारब्ध कर्म, ठीक है। अगला है गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो होते हैं वो करने योग्य है, अकर्म जो ना करने योग्य। और विकर्म के बारे में बताया गया है कि इसे पाप कर्म कहा जाता है। अकर्म और विकर्म लगभग सेम है। जैसे अकर्म जो है इसमें हर तरह के कर्म आते हैं जिसमें अनासक्त भाव से किए जाने वाले शास्त्र के विरुद्ध
भी हो सकते हैं। जैसे ये शास्त्र सम्मत कर्म है, जो कर्म है ये उचित कर्म है और शास्त्र सम्मत है, लेकिन अकर्म जो है इसमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होंगे, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध भी हो सकते हैं, और विकर्म जो है ना करने योग्य कर्म है। अगला है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल जो कर्म होते हैं वह पुण्य कर्म होते हैं, कृष्ण कर्म पाप कर्म होते हैं। शुक्ल और कृष्ण पाप और पुण्य दोनों ही निहित होते हैं, और अशुक्ल अकृष्ण ये योगियों के होते हैं जिसमें न पाप होता है न पुण्य होता है, ये निष्काम रूप से कर्म करते हैं। अगला है कर्मयोगी के लक्षण। कर्मयोगी के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो कर्मयोगी जो होता है उसका हृदय विशाल होता है, वह उदार चरित्र का होता है, वो मातृ सेवा, पितृ सेवा, गुरु सेवा, प्रत्येक जीव की सेवा और राष्ट्र और संस्कृति, समाज और धर्म के कार्यों में लगा रहता है, मानव सेवा में लगा रहता है। और कर्मयोगी हमेशा निष्काम कर्म करता है, किसी स्वार्थ से कर्म नहीं करता, और उसके कर्मों के द्वारा हमेशा ही हमेशा मनुष्य और मानव जाति और प्रत्येक जीव का उद्धार होता है। तो इस प्रकार हमने कर्मयोग के विषय में जाना। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।